तो तभी साहब की कर रहे हो? मैं मिक विच हूं, मिक कर रहे हो? बहुत बड़ी हुई जे ते मिक कर रहे हो। ते नसीम शादी भी ते इस तरह कटी गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब अहमद तभी हाजिर है और पाकिस्तान टीम इस वक्त भारत च मौजूद है आईसीसी वर्ल्ड कप खेडन वास्ते और न्यूजीलैंड के खिलाफ जिहड़ा सा वार्म अप मैच खेडिया, साड़ी बॉलिंग टोटली एक्सपोज हो गई वाइल साड़ी बैटिंग ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जिस खिलाड़ी की टीम च बहुत ज्यादा शिद्दत नाल कमी महसूस हुई वह सी नसीम शाह। और नसीम शाह एक अरसे तो अपनी दर्द का अपनी तकलीफ का मैनेजमेंट नू दसते रहे, मगर जिस तरह मैं मिक कढ़ रहा सा इस तरह जित दी भुखी मैनेजमेंट ने नसीम शाह नू नचोड़ के रख दिता। हालांकि वह कहता रहा कि मैं ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, मगर ओदी किसे नहीं सुनी। नसीम शाह ने जिहड़ा इंटरव्यू दिता सी ओदे च इशारतन उन्होंने ये दस दिता सी की दस्या सी, आओ पहले वो सुन लो। एक ऐसी चीज था कि जो मैं अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई बताने वाली बात भी है, जो कि मेरे साथ काफी प्रॉब्लम रही है वो चीज, और मैं नहीं चाहता कि वो मैं मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे मैं कहूँ कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन ये था कि फैमिली वालों और उसके अलावा जो भी मेरे बड़े हैं उन्होंने काफी इस चीज में मोटिवेट किया है, और स्पेशली अगर मैं नाम लूँ तो सलमान भाई आप जानते हैं, उनके साथ मैं बड़ा क्लोज हूँ और उन्होंने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया और काफी चीजें बताई है, तो इसी तरह मैं जो है इनसे काफी मोटिवेट। ज्यादा पुराना नहीं है मगर गल ए वे कि जो एक बंदा मैनेजमेंट नु दस रहा है कि मैं अनफिट हाँ, मैं ना खिडाओ, मैं बार बार खिडाना और सारे फॉरमेट खिडाना, तो हुण उहदा नतीजा की भुगतना पिया कि असी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 विच नसीम शाह जिहा लीथल बॉलर जिहड़ा है उहदी कमी शिद्दत नाल महसूस करांगे। और तुहानूं पता है कि भारत दी पिचिस ते जिहड़ा बॉलर जिन्ना तेज होएगा उहनूं उत्थे चाहीदी स्पीड एंड स्विंग, ते उत्थे ओही बॉलर कामयाब होणगे जिन्हां कोल स्पीड भी है स्विंग भी है। और तुहानूं पता है कि पाकिस्तान नूं हमेशा बॉलर्स ने ही जितवाया है, और अगर मौजूदा बॉलिंग साइड नूं वेखिए और खसूसन साडी फील्डिंग, मैं जब भी ट्विटर ते पाकिस्तानी फील्डिंग दे बारे च पाना मैं पहले इंग्लिश लिखना फील, फिर अगर पाना सप यानी कि फील्डिंग, फील्डिंग ने जिहड़ा डंग मारिया होया है ये बड़ा ही खतरनाक है। और भारतीय कप्तान ने भी कह दिता, मोहम्मद रिजवान ने भी कह दिता कि साड़ी फील्डिंग अगर इसे तरह रही तो फिर किसी कामयाबी के बारे च सोचना एक ख्याली पलाव होएगा। वाइल जी मेरे को ताजा तरीन इतलात ने उसके मुताबिक नसीम शाह की इंजरी जी है वो सीरियस सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, तो है कि शायद उन्होंने सर्जरी करवानी पवे अपने कंधे की, और सर्जरी हो गई और उस तो बाद रिकवरी और उस तो बाद दो चीजा डॉक्टर कहते हैं अगर हिल जा किस्मत वाले भी जुड़दिया ने। नसीम शाह की सर्जरी ना हो अल्लाह ताला वैसे ही रहमत कर दे और उन्होंने फिट कर दे, क्योंकि अगर एक दफा गोडा या मोडा हिल जाए तो फिर घट ही जुड़ता होंगे जी। शाहीन शाह फरीदी अगर फिट हो तो खेलते हैं, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर देते हैं, मगर किसी की मजाल नहीं कि उन्होंने पूछ सकन के क्यों। एक वजह तुम जानते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहना कि तुसी साडे नाल हुण ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। तकरीबन 6 साल तो एक बंदे वास्ते चीख रहा सा सऊ शकील, ते हुण सुनील गोस्कर भी उन्होंने मद्दह बन गए ने, उन्होंने तारीफा कर रहे ने। और मैं हमेशा उस खिलाड़ी की गल करांगा जिहड़ा 100% होएगा। मोहम्मद इबरार रिजर्व का प्लेयर नहीं सी, इबरार नूं टीम का हिस्सा होना चाहिदा सी। खैर जी, असी वर्ल्ड कप विच नसीम शाह नूं करांगे बहुत ज्यादा मिस, ईवन इंडियन फैंस भी करनगे बहुत ज्यादा मिस, मगर हुण जिवें जी वी टीम बन गई है साडी दुआ है कि कौमी टीम
ਟਾਪ 4 ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਾਪ 4 ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਟਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਤਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।